प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं। जहां 4 मार्च को पीएम ने वाराणसी में रोड शो किया, तो वहीं महमूरगंज स्थित में प्रबुद्ध जनों के साथ वो करने वाले हैं और प्रधानमंत्री सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में स्थित खजूरी में एक बड़ी चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे और शाम 6 बजे 7वें चरण की सीटों पर चुनावी शोर थम जाएगा। तो प्रबुद्ध जनों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी संवाद भी करने वाले हैं, जनसभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कल प्रधानमंत्री ने एक रोड शो भी किया था, भारी हुजूम देखने को मिला था। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं, जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं और प्रबुद्ध जनों के साथ भी संवाद वो करेंगे। वाराणसी सहित पूर्वांचल के जो जिले हैं उसमें होने वाला है, 54 सीटों पर वोटिंग होनी है और उस मतदान से पहले 7 तारीख के जो मतदान होने हैं बनारस सहित पूर्वांचल के जिलों में, उससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे, अपने 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे और निश्चित तौर पर उन्होंने माहौल जो है वो बनाने का प्रयास किया और बीजेपी की जो पकड़ थी पिछले 2017 के चुनाव की अगर हम बात करें तो बनारस में 8 विधानसभा की सीटें हैं, वो 8 की 8 विधानसभा की सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दल खेमे के पास गई थी, निश्चित तौर पर क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने। तो इस बार भी पीएम मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो मजबूत किला था बनारस का और पूर्वांचल का वो बचाने के लिए किया और जो रोड शो था, जैसा हुजूम जैसा जन समर्थन हमें देखने को मिला वो निश्चित तौर पर पूरे देश ने देखा, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। लेकिन आज अगर हम कार्यक्रमों की बात करें तो आज थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रबुद्ध जनों के साथ बनारस के जो साहित्यिक घराने से जुड़े हुए हैं, जो बनारस का संगीत घराना है वो है, साहित्यकार है, तमाम सारे जो लोग हैं, जो गणमान्य लोग हैं, कुछ व्यवसायी वर्ग है, उनके साथ एक संवाद करेंगे और निश्चित तौर पर सरकार क्या योजना बना रही है उनके लिए और एक बार फिर योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की वापसी हो, इसकी अपील निश्चित तौर पर प्रबुद्ध जनों से वो करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी खजूरी जाएंगे जहाँ पर एक जनसभा उन्हें करनी है और ये जो जनसभा है वो सेवापुरी विधानसभा में होनी है जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का दावा है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटेगी। जी अभिषेक, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से प्रबुद्ध जनों के साथ आज संवाद पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, उसको लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, किस तरीके का संवाद ये होने वाला? जी बिल्कुल, जो प्रबुद्ध वर्ग के साथ सम्मेलन होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसमें तमाम सारे वो लोग हैं जो एक मास कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करने की जिनके पास शक्ति है। कुछ ऐसे लोग हैं जो वाराणसी के व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सहकार संघ के अध्यक्ष हैं, मंदिर के जो महंत हैं, ब्राह्मण हैं, उनके साथ उनका संवाद होना है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ये लगता है कि अगर इन लोगों को हम अपना जो विजन है, अपना जो सोच है और एक बार फिर अगर सरकार आती है तो क्या खास करेगी सरकार, वो अगर बताने में कामयाब होते हैं तो इनसे होकर जो मैसेज है जब वो लोकल लोगों तक पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर वो जो मैसेज है वो वोट में तब्दील होगा और एक बार फिर से पूर्वांचल का जो किला है वो बीजेपी फतह कर लेगी और पूर्वांचल में जो आखिरी फेज में मतदान होना है उन सीटों पर अगर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो निश्चित तौर पर जो सरकार बनने वाली है उसे सरकार बनने में काफी सहूलियत हो जाएगी। इस बात की अहमियत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं, यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही बनारस पहुंच गए, कल रात वो कैंट स्टेशन गए, बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया उन्होंने, खिड़किया घाट गए, तमाम सारे बनारस की जो सड़कें हैं उस पर उन्होंने चहलकदमी की, चाय की दुकान पर वो गए, लोगों के साथ आम जनों के साथ उन्होंने चाय पी और इसके अलावा बनारस चूंकि बनारसी पान के लिए फेमस है तो बनारस का पान खाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल ही पान की दुकान पर भी गए। तो ये सब जो सारी चीजें हैं वो पीएम इसलिए कर रहे हैं और बीजेपी इसलिए कर रही है कि काशी के जो लोग हैं उनको ये मैसेज दे सके कि बीजेपी किस तरीके से उनके साथ अटैच है और इतना बड़ा नेता होने के बाद भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से एक आम नागरिक के तौर पर बनारस के लोगों को बीच जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर अगर एक बार फिर से सरकार बनेगी
तो जो सरकार है वो बनारस और बनारस के लोगों का विकास करेगी। यही मैसेज देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल लगभग 12-1 बजे तक तमाम सारे जो बनारस के रेलवे स्टेशन है वहां प्रधानमंत्री मोदी गए थे। हर महादेव के उद्घोष के साथ उनका स्वागत हुआ, लोगों से वो बात किए और आज भी उनका जो कार्यक्रम है वो बनारस में 2 कार्यक्रम है। और निश्चित तौर पर जो बीजेपी है वो किसी भी तरीके की कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती है आखिरी फेज के मतदान को का जो प्रचार है थमने से पहले, चूंकि आज जो है वो आखिरी फेज का आज शाम जो है वो प्रचार थम जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने, शाम 6 बजे 7वें चरण की सीटों पर चुनावी शोर जो है वो आज पूरी तरह से थम जाएगा। और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी कोर कसर में जुटी हुई है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल यहां पर बनाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अगर हम बातचीत करें तो जिस तरीके का कल एक भारी बड़ा हुजूम हमने देखा कि प्रधानमंत्री के रोड शो में उमड़ पड़ा और जो जनता थी वो पूरा समर्थन देती हुई यहां पर नजर आई, तो किस तरीके का माहौल यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, जो रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था वो ऐतिहासिक रोड शो था। जो रोड शो शुरू हुआ मलदैया सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ दोपहर में, वो रोड शो खत्म होते होते शाम हो गया, लेकिन जो लोगों का उत्साह था वो अपने चरम पर था। लोग सुबह से ही बनारस की सड़कों पर उमड़ गए थे और बिना कुछ खाए पिए चिलचिलाती धूप में लोग इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बनारस की जो सड़कें थी, बनारस के जो लोग थे अपनी दुकानों को बंद किए थे, कुछ लोगों ने दुकानें खोली जरूर थी लेकिन मकसद उनका ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर सके, और उनके हाथों में गुलाब की पंखुड़ियां थी। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला उनके बीच पहुंचा तो हर हर महादेव के जय घोष और उद्घोष के साथ उन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। तो निश्चित तौर पर कल का जो रोड शो था वो कहीं ना कहीं बीजेपी उसको एक अपना मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रही है। हालांकि उसके तुरंत बाद अखिलेश यादव ने भी बनारस में रोड शो किया और उस रोड शो में भी भारी जनसमर्थन, भारी हुजूम देखने को मिला। लेकिन जो मतदाता है उन्हें आखिरी फैसला करना है और आखिरी फैसला 7 मार्च को करना है, जब अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, और जो परिणाम है परिणामों के लिए हमें 10 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। जी खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।